ओह यस, फाइनली भाई तेरे भाई की छुट्टी अप्रूव हो गई। अब मैं जाऊंगा दुबई घूमने के लिए, सारा प्लान सेट है यार, मज़ा आएगा। सबसे पहले जाते ही लूँगा मैं आईफोन 14 लेटेस्ट वाला, सब बहुत इंतजार कर रहा हूँ मैं इसका। उसके बाद लूँगा एप्पल की वॉच और फिर DJI ड्रोन ले लूँगा। और बड़ी सारी शॉपिंग हो रहा, बड़ा मज़ा आएगा यार, बड़ा मज़ा आने वाला है यार। बट एक बात बता कि पेमेंट के लिए मैं कैश से करूँ या कार्ड से? मैं क्या बताऊं यार, मैं तो बोरीवली से बाहर नहीं गया यार। बट मेरे चाचा, उनके दोस्त और उनके दोस्त के दोस्त सब के सब जब बाहर जाते हैं तो कैश ही ले जाते हैं यार। तू भी कैश ले जा, इतने क्या सोच रहा है यार। देखो नीरव याद है, नीरव वो जब लंदन गया था तो उसने फॉरेक्स किसी बैंक से करवाया था, है ना। बट अभिनव से मैंने बात करी अभी तो वो तो कह रहा है कि उसने किसी फॉरेक्स कंपनी से लिया है। तो दिरहम मुझे लेना है दुबई के लिए, तो कहाँ से लूँ, कुछ बताएगा भाई? अबे छोड़, क्या किसकी बात कर रहा है नीरव अभिनव की। मैं तो कहता हूँ किसी से भी ले ले, बैंक से ले या फॉरेक्स से ले, सब तेरे को काटेंगे ही, कहीं से भी ले ले, ज़्यादा सोच मत, चल। हे बालक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंडियंस अब्रॉड है ना, वो करेंगे तुम्हारी मदद और दिखाएंगे सही रास्ता। हाय गाइस, तो आज की वीडियो है हमारे चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एवर, बिकॉज इस वीडियो को बनाने के लिए हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। और वैसे तो हमने दुबई ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बट ये वाला टॉपिक हमने आज तक अपने किसी भी वीडियो में कवर नहीं करा, इसलिए आज की वीडियो होने वाली है सुपर इन्फॉर्मेशनल एंड सुपर हेल्पफुल आप सभी लोगों के लिए जो दुबई घूमने के लिए आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपने बिना स्किप करे पूरी एंड तक देखी तो आप बचा पाएंगे अपने बहुत सारे पैसे। तो गाइस, जब आप दुबई घूमने के लिए आएंगे और आपको डिफरेंट चीज़ों के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तो उस टाइम पर आप कौन सा पेमेंट ऑप्शन यूज़ करेंगे? क्या आप अपने देश से लोकल करेंसी कन्वर्ट करके दिरहम लेकर आएंगे, या फिर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, या फिर आप फॉरेक्स कार्ड को यूज़ करेंगे? तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे वो पेमेंट ऑप्शन जो कि मोस्ट कन्वीनियंट है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है और बेस्ट पेमेंट ऑप्शन है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। सबसे ज़्यादा लोग यही सवाल पूछते हैं कि दुबई कैश लेके जाएं या फिर कार्ड कैरी करें। तो कैश लेके जाना वैसे तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप कैश से आप कहीं पर भी पे कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। और क्योंकि दुबई सबसे सेफेस्ट कंट्री है, इसलिए आपको चोरी डकैती किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं। आप कितना भी कैश यहाँ पर कैरी कर सकते हैं और हर जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि कैश पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा। बट मेरे हिसाब से तो कैश लेकर आना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आप अपने देश से जब दिरहम लेके आते हैं तो उसको मैनेज करना ही अपने आप में एक बड़ा हेडेक होता है। क्योंकि जब आप रोज़ अपने होटल से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, तो जो आपके पास में कैश की गड्डी होती है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि हाँ ये आज का मेरा खर्चा है। तो उस खर्चे को आप अपने कुछ को अपने चोर जेब में डालते हैं, कुछ को आप अपने सॉक्स में डालते हैं छुपाने के लिए कि अगर गलती से भी मेरे से कैश गुम हो गया, कुछ भी हो गया, अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, तो कोई जो भी आपने बैकअप प्लान रखा होगा वो आपके लिए काम आएगा। तो कैश इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर मी कहीं पे लेके जाने के लिए। और इसके अलावा जब आप अपने होटल से बाहर निकलें और आपने सोचा कि आज मैं सिर्फ 1000 दिरहम लेके जाऊंगा अपने अपने काम के लिए, अपने पेमेंट्स के लिए, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका सारा पैसा ख़त्म हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास जो कैश था वो तो ख़त्म हो गया, तो आप कहाँ जाएँगे कि आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा कैश कोई आपको उधार दे दे? अगर दिन ख़त्म होने से पहले ही आपका कैश ख़त्म हो गया तो फिर आपको वापस होटल भागना पड़ेगा। तो इसलिए या फिर आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा, किसी अनजान आदमी से, कि भाई साहब मेरा पैसा ख़त्म हो गया प्लीज़ मुझे कुछ उधार दे दो। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, कैश के साथ काफ़ी सारे कॉन्स भी हैं, तो क्या है बेस्ट ऑप्शन ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो दूसरा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि जब आप इंडिया से आ रहे हैं या आप किसी भी देश से आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो आपको अब जो लोकल करेंसी है दिरहम वो कहाँ से एक्सचेंज करानी चाहिए, इंडिया से करानी चाहिए या फिर दुबई से करानी चाहिए? और अगर करानी है तो आपको बैंक से करानी है या फिर किसी फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी से करवानी है? पहले जवाब देते हैं कि इंडिया से या दुबई से, तो ऑब्वियसली आपको इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करवानी चाहिए अगर आप कैश लाने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया में जो आपको एक्सचेंज फीस देनी पड़ेगी करेंसी कन्वर्ट कराने पर, वो INR में देनी पड़ेगी, जबकि आपको अगर आप दुबई से कराते हैं तो वो फीस भी आपको यहाँ पर AED में देनी पड़ेगी, यहाँ की लोकल करेंसी में, दिरहम्स में। और यहाँ पर आपको चांसेस हैं कि कंपैरेटिवली रेट, एक्सचेंज रेट जो है वो हाई मिलेगा। और अगर बात करें कि आपको बैंक से करेंसी कन्वर्ट करानी चाहिए या किसी फॉरेक्स
एक्सचेंज हाउस से, देन वी वुड सजेस्ट कि आपको किसी भी एक्सचेंज हाउस से करेंसी कन्वर्ट करानी चाहिए, बिकॉज बैंक के रेट्स हमेशा बहुत हाई होते हैं, तो बैंक इतने अच्छे रेट्स नहीं दे पाता. और डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज हाउसेज आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट्स देंगे, तो बेस्ट रेट्स ढूंढना अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही हेडिक का काम है कि कहाँ से आप करेंसी अपनी कन्वर्ट कराएं. तो हम तो बोलेंगे कि इन सब झंझट में ना पड़े, और इसके अलावा क्या बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे. तो गाइज, अगला सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये कि हम अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर दुबई में लेकर आएँ तो हम उससे भी तो पे कर सकते हैं, बिकॉज आजकल मोस्टली हर जगह पर कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट कर ली जाती है, और आजकल की जो जनरेशन है वो कैश वगैरह के चक्कर में इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती. सो दे थिंक कि कार्ड से पे करना इज़ बेटर ऑप्शन एंड कन्वीनियंट ऑप्शन. तो क्या ये ऑप्शन उनके लिए सही है, चलिए जानते हैं इसका जवाब. अगर आप दुबई में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने हर ट्रांजैक्शन पे 3-5% का एक्स्ट्रा फॉरेक्स मार्कअप पे करना होगा, जिससे कि आपका हर एक पेमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो मेरे हिसाब से तो आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यहाँ पर लेकर मत आए, बिकॉज आपका ओवरऑल एक्सपेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा इसकी वजह से. तो गाइस, यहीं पर हम आपको बताना चाहते हैं नियो ग्लोबल कार्ड के बारे में, जो कि है बेस्ट पेमेंट ऑप्शन हमारे रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि ये है मोस्ट कन्वीनियंट और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट ऑप्शन. पहला फायदा हमें ये लगा कि अगर आप इंडिया से कैश लेकर आएंगे तो इतनी सारी करेंसी को जब आप कन्वर्ट कराएंगे तो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी हाई आपको एक्सचेंज फीस देनी पड़ेगी, जो कि आपको ओवरऑल बहुत महंगा पड़ेगा. और उसके अलावा रोज़ रोज़ कैश कैरी करने का झंझट, जैसे कि हमने वीडियो में बताया है कि कैश मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है, तो उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप सिर्फ एक कार्ड आराम से इजीली हर जगह कैरी कर सकते हैं. आप दुबई में कहीं पर भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे 3-5% की फॉरेक्स मार्कअप फ़ी पे करनी पड़ती है वो इन लोगों ने ज़ीरो कर रखी है, तो आपको कोई भी फॉरेक्स मार्कअप फ़ी नहीं लगेगी, जिससे कि आपको कोई भी शॉपिंग कोई भी तरह का खर्चा काफ़ी कंपेरेटिवली सस्ता पड़ जाता है. कैश और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के कंपेरिजन में ये आपको सबसे सस्ता पड़ता है. और गाइस, कैश के साथ जो हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई थी कि कितना कैश कैरी करना चाहिए और अगर आपका कैश ख़त्म हो गया तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, तो इसीलिए इस कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपका अमाउंट उसमें ख़त्म हो गया तो आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट से इसमें रीफिल कर सकते हैं और आगे कंटिन्यू अपना स्पेंड करते रह सकते हैं. तो जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मैं कितना कैश लेकर आऊँ, तो उस केस में आपको कोई ऐसी लिमिट नहीं कि आप कितना भी कैश लेकर आएँ, आप सिर्फ कार्ड लेकर आएँ और अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करते रहें और पेमेंट करते रहें और अपना ट्रिप एंजॉय करते रहें और आराम से दिल खोल के स्पेंड करते रहें. और गाइस, जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और हम वहाँ पर नए होते हैं तो जब भी हम कैश में पे करते हैं तो हमें वहाँ के करेंसी समझ ही नहीं आती, कौन सा नोट कितना है, कॉइन्स छुट्टे, वो सब कैरी करना और ये सब झंझट कि आपने कितना नोट दिया कितने आपको वापस मिले, वो सब समझना और वो सब झंझट और वो सब कैरी करना भी अपने आप में एक हैसल है. और इसके अलावा जब आपका ट्रिप ख़त्म होता है तो जो आपके पास सारा वहाँ की करेंसी जो बचती है वो आपको वापस इंडिया लेकर आनी पड़ती है, और आप अगर उस करेंसी को वापस INR में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको बहुत कम प्राइस मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है. इसलिए लोगों को समझ नहीं आ पाता कि उस बची हुई करेंसी का क्या करें. तो इसके साथ आपको ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको जितना पे करना है आप सिर्फ कार्ड से उतना ही पे करेंगे, कोई करेंसी वापस छुट्टा मिलने का कोई झंझट नहीं है. और दूसरा, अगर आपके कार्ड में जितना भी अमाउंट बचता है आपके ट्रिप ख़त्म होने पर वो आप वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपको कोई लॉस नहीं होता. और फायदे ये भी हैं कि आप इस कार्ड के ज़रिए इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट लाउंज पर एंजॉय कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं जब आप घूमने के लिए जाते हैं. और इसके अलावा इस बैंक अकाउंट के थ्रू आप 5% इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं. तो इस कार्ड से आपको सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बिना किसी नुकसान के. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप लॉन्च करके अपने फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस से अपने आप को रजिस्टर कर लें, फिर अकाउंट खोलने के लिए अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट की डिटेल्स डालें, फिर अपने फेस की लाइव वेरिफिकेशन के बाद में अपने कुछ और डिटेल्स देकर अपना कार्ड के डिलीवरी का एड्रेस भी डाल दें. दैट्स इट, आपका नियो ग्लोबल अकाउंट खुल जाएगा. कार्ड मिलने के बाद में आप अपने कार्ड को मस्त शॉपिंग के लिए यूज़ करें. फर्दर डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो गाइस, काफ़ी सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि जब यहाँ पर कोई भी शॉपिंग करते हैं या कोई भी तरह का पेमेंट करते हैं तो उन्हें एक वैट चार्ज होता है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज होता है, तो उस वैट को कैसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं?
वैट जो है वो यूएई का एक लोकल टैक्स है, जैसे इंडिया में जीएसटी लगता है वैसे यहाँ पर हर चीज़ पे आपको 5% वैट पे करना पड़ता है। बट क्योंकि आप यहाँ पर एक टूरिस्ट हैं इसलिए आपका लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है, आपका फ़ायदा है इससे कि आप उस टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। वैट रिफंड के लिए आपको जाना पड़ेगा ग्रीन प्लैनेट नाम के स्टोर पे या फिर एक जो जगह बनी होती है जो मोस्टली आपको एयरपोर्ट में मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने कुछ फेमस जो शॉपिंग लोकेशंस हैं वहाँ पर भी ग्रीन प्लैनेट नाम के स्टोर्स उन्होंने बनाए हैं, वहाँ पर जाकर आप इस वैट को रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वैसे तो आप दुबई की टैक्सीज में कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कार्ड मशीन ना चले या फिर वो ड्राइवर सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट कर रहा हो। सो एज अ प्रोटिप 1,000-2,000 दिरहम ऐसे सिनारियोज के लिए रख कर चलें। और गाइस काफ़ी सारे लोग हमसे यही पूछते हैं कि दुबई घूमने आ रहे हैं और उन्हें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो कौन सी वो चीज़ें जो कि बेस्ट हैं यहाँ दुबई से शॉपिंग करने के लिए और वो चीज़ें दुबई में कहाँ से खरीद सकते हैं। तो गाइस इसके ऊपर हमने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। उसमें हमने डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि आपको दुबई से क्या क्या ज़रूर ख़रीदना चाहिए और वो जगहें आपको सबसे बेस्ट प्राइस में कहाँ पर मिलेंगी। सो गो चेक आउट दैट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक छोड़ देंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आया होगा और आपको दुबई में पेमेंट से रिलेटेड सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, बिकॉज इसमें ना लाइक करने वाली कोई बात नहीं है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं क्या ही बोलूँ, इतना कुछ हम आपको फ्री में बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपको कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।